लेकिन राहुल गांधी ने एक तरह से पश्चिम बंगाल में रैली न करके ठीक वैसा ही उदाहरण पेश किया जैसा महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर लेकर के वो खबरें जो खबर आज पूरे दिन चलती रही और चर्चा का विषय बन गई। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच में। दोस्तों आज एक बड़ा विस्फोट हुआ कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा, विस्फोटक खबर सुनाई गई, एक नई शब्दावली का निर्माण हो गया कि विस्फोटक खबर है, लेकिन उस विस्फोटक खबर का आकलन नहीं किया जाता, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। विस्फोटक खबर थी भी, और विस्फोटक खबर इसलिए भी थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समेत पता नहीं कितने राजनीतिक दलों को धोबी पछाड़ मार दिया एक ऐसी खबर ने, जो खबर आई राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने आज एक ऐलान किया, उन्होंने अपनी बंगाल की रैलियों को रद्द कर दिया कोरोना के प्रभाव को देखते हुए। दूसरी तरफ जहां सत्ताधीश अपने सत्ता के घोड़े बंगाल के रथ को लेकर के दौड़ा रहे हैं बंगाल चुनावों में, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने व्हीलचेयर को बैटरी के सहारे ऑपरेटेड कर रही हैं और सहानुभूति वोट समेट रही हैं, और तीसरी तरफ एक घोड़ा वो जो ढाई घड़ चलता है सरकार के और सत्ताधीशों के इशारे पर, वो है चुनाव आयोग, जिसने एक ही बार में चुनाव कराने की मांग को ठुकरा दिया, उस पर नहले पर दहला मार दिया आज राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी सारी चुनावी सभाएं ना करने की घोषणा कर दी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खलबल आए। लेकिन राहुल गांधी ने एक तरह से पश्चिम बंगाल में रैली ना करके ठीक वैसा ही उदाहरण पेश किया जैसा महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया था। खलबलाए हुए थे और मीडिया में सहानुभूति मिल रही थी राहुल गांधी के इस फैसले को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना में शमशान घाट जल रहे हैं, शमशान घाटों के धुओं से आसमान काला हो रहा है, टीन काले हो रहे हैं, और लोहा जो है पिघला जा रहा है, गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, उससे चिंतित सब हैं। हर तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुका है, जो घर में वो सुरक्षित है। राहुल गांधी ने रैलियों को लेकर के सबसे बड़ी पहल की, क्योंकि सवाल प्रधानमंत्री मोदी पर उठ रहे थे उस बात को लेकर कि नंबर वन आदमी जो कोरोना के बारे में जिसको मैनेजमेंट करना चाहिए दिल्ली में बैठ करके, वो गृह मंत्री के साथ और रक्षा मंत्री के साथ पश्चिमी बंगाल में रैलियां कर रहा है केवल सत्ता को पाने के लिए, जिसके पास ऑलरेडी केंद्र की सत्ता है, तो बंगाल में ऐसा क्या रखा है जिसकी सत्ता को पाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया गया है, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो, सबके सब अपनी अपनी भूमिका में फिट नजर आ रहे थे, ठीक रामलीला के उन पात्रों की तरह जिन पात्रों को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि तुमको नल नील का पार्ट खेलना है, तुमको बाली का पार्ट खेलना है, तुमको रावण बनना है, तुमको विभीषण बनना है, सबके पार्ट बांट दिए गए थे सत्ताधीश ने, और सत्ताधीश अट्टहास कर रहा था उन मौतों पर, एक बार भी उसका एक ट्वीट नहीं आया, शुभकामनाएं उसकी चलती रही हिमाचल दिवस की। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे एक तमाचा मार दिया प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन उस पर एक कुतर्क आया, शाबाशी नहीं मिली, एक कुतर्क आया। हालांकि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब हम जो संघ है वो बड़ा देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, जनता से प्यार है, कुछ ऐसे हास्यास्पद वीडियो आते हैं कि जब लड़ाई हुई थी तो इन लोगों ने बम और वो हथियार सप्लाई किए थे, तो हंसी आती है कि पता नहीं कौन सी फैक्ट्री से बम खरीदे होंगे जब चाइना की लड़ाई हुई थी, इस तरह के व्हाट्सएप पर चलते रहते हैं। लेकिन बात कर रहा था मैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने जिस तरह से किया उसको भी ये पचा नहीं पाए, उस पर इनका कुतर्क आया कि राहुल गांधी की रैली सुनता कौन, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है वहां पर, तो रैली थी कितनी, राहुल तो आखिरी दौर में आए थे, क्योंकि हार रहे हैं इसलिए रैली नहीं कर रहे। अब मेरा सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी से कि भैया अगर आप जीत रहे हो तो रैली क्यों कर रहे हो, आपको तो सफा चट जीत दिख रही है ना, क्योंकि ममता दीदी ने जो किया सब कुछ बेकार किया पश्चिम बंगाल में, लेकिन आप देश के साथ क्या किया क्या नहीं किया
उसका हिसाब देश को देने को तैयार नहीं हो। कोरोना पर सरकार फेल हो गई, उस पर राज्य सरकारों पर बोझा डाला जा रहा है, लेकिन आप बंगाल में मूछें तान करके, दाढ़ियों पर तेल लगा करके और बड़े चौड़े होकर के, सीना पैडिंग करके बंगाल चुनाव में दावा कर रहे हो कि रोजगार दोगे। हिंदुस्तान के बाकी लोगों को कितना रोजगार दे दिया? और जहां तक राहुल गांधी पर सवाल उठाने का सवाल है, तो मैं आज इसकी एक तुलना एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के साथ करना चाहूंगा जो घटना शायद आपको कुछ याद दिला दे, एक गांधी की याद दिला दे, महात्मा गांधी की याद दिला दे। दोस्तों, देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, चौरा चौरी कांड हुआ। चौरा चौरी कांड के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों। चौरा चौरी कांड में एक थाने में उत्तेजित भीड़ ने, आजादी की दीवानी भीड़ ने थाने को पूरे आग लगा दी थी, पुलिस वालों को, ब्रिटिश अधिकारियों को जिंदा जला दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि हत्या हुई। बात इसकी नहीं थी कि अंग्रेज मारे गए, फिरंगी मारे गए या कौन मारे गए, बात यह थी कि उस दिन हिंसा जीत गई और अहिंसा हार गई। इसीलिए आज मुझे वो घटना याद आ गई, वो एक सच्चा गांधी याद आ गया जो इस राहुल गांधी से कुछ कुछ सेम सेम मिलता जुलता सा लगा। उनको पता था राहुल गांधी को कि उनकी आलोचना होगी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आलोचना होगी कि प्रचार न करने का फैसला आपने क्यों किया, जब प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं तो आप करते तो आप पर आपत्ति कौन करता। लेकिन राहुल गांधी ने एक तरह से पश्चिम बंगाल में रैली न करके ठीक वैसा ही उदाहरण पेश किया जैसा महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। हालांकि कांग्रेस में उस समय गांधी जी का आंदोलन वापस लेने पर काफी विरोध हुआ था। यहां तक कहा गया था गरम दल के द्वारा कांग्रेस के कि अगर यह आंदोलन वापस ना लिया होता तो आजादी जो थी 12 साल पहले मिल गई होती। लेकिन उस आजादी का क्या करते जिसमें हिंसक भीड़ एक थाने को जला दे। कल उसने अंग्रेजों का थाना जलाया था, हो सकता था कि आजाद हिंदुस्तान के बाद हिंसक भीड़, हिंसा में डूबे हुए लोग आजाद हिंदुस्तान के किसी थाने को जला देते। राहुल गांधी ने जो एक सेट की है पॉलिटिक्स की परंपरा, वो वाकई में काबिले तारीफ है। क्या आपको लगता है कि जो मैंने तुलना की वो जायज है या नाजायज है? इस पर मैं आपके कमेंट चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा बड़ा दिल, ऐसा हौसला मुझे नहीं लगता कोई और विपक्षी दल रखता होगा। ममता बनर्जी करेंगी नहीं करेंगी नहीं पता। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी रैली रद्द करते वक्त सारे दलों से अपील की कि वो भी रैली रद्द कर दें, अपनी चुनावी रैलियां रद्द कर दें, क्योंकि कोरोना में लोगों से खेलना, लोगों की जान से खेलना ठीक नहीं। चुनावी रैलियों से पहले कलकत्ता में जो मरीज आ रहे थे वो 500 के करीब रोजाना आ रहे थे। आज की डेट में 6000 मरीज रोजाना के आने का एक नियम चल पड़ा है कोरोना पीड़ित। ममता बनर्जी का आरोप है कि बिहार और जितने भी संघ के लोग वहां पहुंचे उनकी वजह से कोरोना फैला है। ना ट्रेन बंद है ना कुछ बंद है, बंगाल चुनाव में सब जायज है, क्योंकि सत्ता की लड़ाई में सत्ताधीशों को सत्ता की मलाई दिखती है, शमशानों में जलती हुई चिताएं और उड़ता हुआ धुआं, बर्बाद होता हुआ उत्तर प्रदेश, बर्बाद होता हुआ लखनऊ कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन राहुल गांधी ने पहल करके एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह पर और संघ के मुंह पर एक तमाचा तो मार ही दिया है। क्या कहते हैं दोस्तों, सही या गलत, ये आपके हाथ में, आप बताइए कमेंट करके। और शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।